नमस्कार लंदन, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए आज ग्लाइकॉल्स का प्रिपरेशन मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज लेके आई हूँ। ग्लाइकॉल्स यानी कि डायोल्स, जिसमें दो मोज ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहते थे, डायोल्स कहते थे। उसका प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर करा है, आप उसमें देखिएगा। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल्स, जिसे हम क्या कहते हैं सिंपली डायोल्स, क्योंकि इसमें दो मोज ग्रुप होते हैं इसलिए हमें इनके कहा जाता है, डायोल्स के नाम से जाना जाता है। तो मॉलिक्यूल्स इज मेड ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप जॉइंट टुगेदर एंड केमिकल रिएक्शन इज देयरफॉर अल्कोहल ट्वाइस ओवर मेनली दिस वन। क्या मतलब है कि अल्कोहल को ही जब दो बार रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दो बार OH ग्रुप होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डायल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, एक्चुअल में हमने कहा इसमें डायोल्स, डायोल्स का मतलब हो गया दो OH ग्रुप, एक OH ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप, दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, डायोल्स के नाम से जानते हैं। इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है लगभग लगभग दोनों की क्या होती है, सेम मानी जाती है, अलग अलग नहीं होती, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो पहली है इसी के लिए, इसी का अकॉर्डिंग एक्शन ऑफ सोडियम, किसके साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ। इट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल एट 500 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म मोनो एंड डाई एल्कोक्साइड एट एलिवेट द टेम्परेचर। क्या मतलब है कि ये इजीली रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों OH के साथ 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 रिएक्शन नहीं करेगा, ये पहले फर्स्ट वाले OH पे करेगा, दूसरे सेकंड वाले OH पे करेगा। या इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, या इसको सेकंड मान लीजिए, या आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इस वाले को क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है, दोनों OH ग्रुप के होते हैं, सेम होते हैं, तो इसकी रिएक्शन दोनों के साथ क्या होगी, सेम होती है। ठीक, तो जैसे हमने लिया डायोल्स, हमने लिया CH2OH की रिएक्शन, हमने किसके साथ करी रिएक्शन, में सोडियम के साथ करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम का रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड ग्रुप बनेगा, तो CH2ONA, इसको हम क्या कहेंगे, CH2ONA, और ये बन गया CH2OH। और ये रिएक्शन कितने पर हो रही है, 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसका टेम्परेचर फिक्स है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। जैसे मैंने शो कर रखा है OH के साथ ONA के साथ रिएक्शन हो रही है, एच रिप्लेस हो गया, H2 बाहर आ गया है, H बाहर आ गया है, और सोडियम एल्कोक्साइड, तो इसको हम एल्कोक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए एल्कोक्साइड कह दिया, सोडियम जुड़ा है तो इसको कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। बट अगर इसी में इस रिएक्शन को टेम्परेचर 50 से कितना कर दिया जाए, 160 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, टेम्परेचर कितना कर दिया, 50 का दुगना यानी कि तिगुने से भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि हाई टेम्परेचर लिया जाए, तो हाई टेम्परेचर पर ये सोडियम एल्कोक्साइड फर्दर रिएक्ट विद द सोडियम मेटल टू गिव द सोडियम सॉल्ट ऑफ एस, दोबारा क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ, आपका सोडियम सॉल्ट दोबारा सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इस वाले पर तो रिएक्शन हो चुकी है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल बनाएगा, यानी कि डाई एल्कोक्साइड। एक एल्कोक्साइड तो ये हो गया का मोनो एल्कोक्साइड, अगर दो OH ग्रुप तो क्या होगा, डाई एल्कोक्साइड, यानी कि ये रिएक्शन दोबारा फर्दर फिर गई, तो एच रिप्लेस हुआ और इसकी पोजिशन पर क्या आ गया, NA ग्रुप आ गया, और हमारा क्या हुई, दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम। इस रिएक्शन को दिखाने के पीछे मेन मोटो यह है कि ये शो करना है कि इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है, इसकी रिएक्शन होती तो OH ग्रुप में है, तो दोनों OH ग्रुप एक साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कंडीशन का अकॉर्डिंग धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो पहले मोनो प्रोडक्ट बनता है, उसके क्या बनता है, डाई प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड होता है। सो दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद HCl, किसके साथ रिएक्शन, आपकी इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, आपको HCl के साथ करनी है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HBr ले सकते हैं आप, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप HCl ही लेंगे, HCl HBr आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द CH2OH, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, ग्लाइकोल या डायोल्स कहते हैं। हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं। नाउ इट शुड बी रिएक्ट विद द HCl मॉलिक्यूल्स एट 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर से H लिया और यहाँ से OH लिया, ये निकल गया HOH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल सेलिब्रेट हो गया, और यहाँ पर आगे क्या जुड़ गया, CL जुड़ गया, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है क्या है, CH2Cl, और ये बन गया CH2OH। ठीक है, बट ये रिएक्शन 160 पर हुई, इसी रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड किया गया, यानी कि टेम्परेचर और बढ़ाया गया। जब किसी लैब में रिएक्शन करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 160 के बाद 170, 180, 190 और 200, जैसे 200 पे पहुंचे तो दिस कंपाउंड फर्दर, HCl तो उसमें डाला ही है ऑलरेडी, HCl तो उसमें है ही, HCl फर्दर आगे रिएक्शन करके इस OH मॉलिक्यूल को क्या करेगा, आपका रिप्लेस करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, और OH को रिप्लेस करके दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका Cl आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ गया, Cl। तो ये देखिए, फिर यही बात हुई, यहाँ पर से H और OH एलिमिनेट हो गया, क्या निकला, H2 और डाइक्लोरो प्रोडक्ट, यानी कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यही मैंने लिखा था, इथाइलिन डाइक्लोराइड इज फॉर्मिंग व्हेन टू सक्सेसिव स्टेप द एलिवेट द
टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती है। पहला पहला ओ एच वाला ग्रुप रिएक्टिव हुआ तो आपका क्लोरो और हाइड्रोक्सी ग्रुप आया। इस रिएक्शन में टेम्परेचर और बढ़ा दिया 160 से 200 डिग्री सेल्सियस करा तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ डायोज विद द एस सी एल। नाउ वी एक्सप्लेन द थर्ड रिएक्शन विद द पी सी एल फाइव या फॉस्फोरस हैलाइड। एक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड इथाइलिन डाइहैलाइड आर फॉर्म एज फॉलोज। हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपकी मर्जी है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी रिएक्शन पी सी एल थ्री या पी सी एल फाइव के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट बाहर निकलता है। फिलहाल हमने यहाँ पर आपके क्या लिया है, पी बी आर थ्री यानी कि पी सी एल थ्री कह सकते हो या पी बी आर थ्री, आप कुछ भी ले सकते हो, फॉस्फोरस के क्लोराइड ब्रोमाइड पी सी एल थ्री हो या पी बी आर थ्री हमने लिए है। तो वी नो दैट दैट इन केस ऑफ PCl3 हमेशा क्या बाहर एलिमिनेट होता है, हमें दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए H3PO3 बाहर निकलता है। दिस इज द रूल, बार बार बता चुकी हूँ, दिस इज द रूल, सॉरी H3PO3 ठीक है, बाहर का निकलता है H3PO3 सबसे पहले क्या निकलता है H3PO3, ये आपका एक रूल है, फिक्स रूल है। तो H3PO3 निकलता है, यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 3। तो नाउ वी टेक द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन, तो वी गेट व्हाट CH2O एंड दिस इज द CH2O, क्योंकि आपको बता रखा है रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप पर होती है। थ्री मॉलिक्यूल्स H3PO3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, H3PO3 के थ्री मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, H3PO3 के बन गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, डाइक्लोराइड। मैंने आपको ये आपका आपका ये निकला H3PO3 के निकले, हमने यहाँ पर से O हटाया, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया Cl लगा दिया, यहाँ पर भी क्या लगा दिया Cl लगा दिया, बट मैंने जो रिएक्शन दी है PBr3 के साथ दी है, तो बात वही होगी H3PO3 बाहर निकला, H के कितना हुआ 3, H के 3 यहाँ से H3PO3 3 2 4 6 3 यहाँ से 3 यहाँ से H3 P का एक P का दिस वन और O3 एक OA एक OA 3 ये 3 टोटल बन के कितना हो गया 6 3 2 6 3 2 4 6 आप ये वहां निकल गया, बचा क्या CH2 और Br के कितना हो गया 3 Br के एक Br यहाँ पर आके जुड़ गया, एक Br यहाँ से जुड़ गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, डाइब्रोमो प्रोडक्ट ऑफ द हैलाइड्स। ठीक, Pi3 प्रोडक्ट इथाइलिन डायोज व्हिच इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट टू I2 एंड द इथाइलिन। लेकिन यही रिएक्शन PBr3 और PCl3 के साथ तो सही है, लेकिन अगर Pi3 के साथ करते हैं तो हमारा आई प्रोडक्ट तो बनेगा, ठीक है, यानी कि Br की जगह पर क्या बनेगा आई, बट वी नो दैट आयोडीन का मॉलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत हाई होता है, आयोडीन बहुत हाई मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड होता है, और आयोडीन में किसी भी केस में आप केमिस्ट्री में रिएक्शन देखिएगा, इसी रिएक्शन की बात नहीं है, केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, अगर दो आयोडीन मॉलिक्यूल साथ साथ आता है इट शुड बी एलिमिनेटेड, I2 मॉलिक्यूल हाई मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड बहुत लॉन्ग पीरियड तक इस तरह से नहीं रह सकता, सो इट शुड बी एलिमिनेटेड द I2 मॉलिक्यूल, ये क्या निकाल देगा I2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा, वी गेट द इथीन। इस रिएक्शन में हमें क्या मिल जाते हैं इथीन। तो आपको ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होती है, क्या PCl3 PBr3 के साथ जब रिएक्शन होती है आप ब्राइट क्लोरो प्रोडक्ट बनाओगे, बट इन केस ऑफ Pi3 बनेगा यहाँ तक यही बनेगा सेम यही आयोडीन, अगर इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ कराएंगे तो दोनों में सेम यही बनेगा आई आयोडीन जुड़ेगा, बट दिस इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट कभी भी नहीं होगा। इस रिएक्शन को आपको आगे और फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आप उसमें से क्या निकालोगे I2 को एलिमिनेट करोगे और हमें भी कहते हैं एल्कीन यानी कि इथीन मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, ज्यादा बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, एक दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ आपको। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी डायोड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे कराओगे। ठीक, किसी भी डायोड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे कराओगे कहा, तो डायोड का मतलब कौन सा ग्रुप होता है आपको पता है कि दिस इज द OH ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है OH ग्रुप, OH अल्कोहल होता है और एसिड COOH होता है, एसिड और अल्कोहल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एस्टर ग्रुप बनाते हैं, ये याद रखेगा अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या बनाता है एस्टर बनाता है, और एस्टर के डिकम्पोजिशन से अल्कोहल और एसिड मिलता है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ केमिस्ट्री फॉर द एस्टर। सो नाउ रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स डाइएस्टर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोल एंड एसिड टेकन, क्या कि ये किस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का अल्कोहल और किस तरह का एसिड लिया है, बनेगा फिर भी क्या लिखेगा डाइएस्टर, वो क्या बनाएगा हमारा डाइएस्टर मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया कि रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका एस्टर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो नाउ वी टेक द रिएक्शन ऑफ डायोज, सो हमने लिया डायोज, हमने क्या लिया हमारे क्या है आपका डायोज आपके सामने अवेलेबल है, सो डायोज हमारा अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज द डायोज, हमने क्या लिया एसिड लिया है, बात वही आई देखिए यहां से लिया आपने एच और यहां से लिया आपने एच और यहां से क्या लिया OH H2 एलिमिनेट हो गया, क्या मतलब हुआ ये हुआ आपका
सी एच टू ओ एच और ये हो गया सी एच टू ओ एच। आपने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड का क्या हुआ सी एच थ्री सी ओ ओ एच ग्रुप हुआ, यहाँ से एच लिया और यहाँ से क्या लिया ओ एच लिया, बाहर एलिमिनेट हुआ ग्रुप एच टू ओ, तो बचा सी एच टू ओ और सी एच टू ओ एच। ठीक है, ओ एलिमिनेट होगा तो रिमेनिंग क्या रहा सी ओ सी एच थ्री, ये बाहर निकल गया तो बचा क्या सी ओ सी एच थ्री, ये देखिए सी ओ सी एच थ्री बना। ठीक, ये फर्दर एक्सेस ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा, फिर बार बात आई है सी एच थ्री सी ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से लिया एच और यहाँ से लिया ओ एच, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई एच टू निकाल देंगे, बचा क्या सी एच टू ओ सी ओ सी एच थ्री, ये तो इस बारे में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो एज इट इज रहा, बचा क्या सी एच टू ओ जैसा था वैसे ही, और बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल का सी एच थ्री सी ओ एच का सी ओ सी एच थ्री यहाँ पर आके जुड़ गया, तो वही रिएक्शन मैंने यहाँ पर शो करी है। देखिए कि जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से निकला एच और यहाँ से निकला एच और यहाँ से निकला ओ एच, और ये क्या निकल गया आपका एच टू ओ ग्लाइकोल मोनो एसिटेट, दिस ग्लाइकोल मोनो एसिटेट एक्सेस ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एच टू ओ सुपर या इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ सुपर, व्हाई वी टेक द एच टू ओ सुपर बिकॉज वी नो दैट एच टू ओ सुपर यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एच टू ओ सुपर का यूज पानी निकालने के लिए इनके डिहाइड्रेशन करने के काम आता है, तो इसमें भी हमने क्या लिया ओ एच का एच लिया और यहाँ से एच लिया यहाँ से ओ एच लिया, हमारा क्या बन गया ग्लाइकोल डाई एसिटेट यानी कि एस्टर ग्रुप बन गया। ठीक, अगर यही एसिड हमारा थैलिक एसिड लिया जाए तो सही बात थैलिक एसिड में करी मैंने फिर डायनेसिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, लेकिन यही रिएक्शन हमने किसके साथ करी थैलिक एसिड के, यानी कि कौन सा एसिड है डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड के साथ करी तो हमारा क्या बनता है पॉलीमर बनता है, जो कि आजकल केमिस्ट्री का सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉलीमर के रूप में माना जाता है। तो हमने क्या लिया थैलिक एसिड लिया है, थैलिक एसिड का क्या है आपका थैलिक एसिड का हमने लिया है फॉर्मूला बेंजीनिंग हो गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ थैलिक एसिड सी ओ ओ एच एंड दिस इज द सी ओ ओ एच। थैलिक एसिड किसके साथ हमने रिएक्शन कर रहा है ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कर रहा है हमारे ग्लाइकोल के साथ, तो दिस इज द व्हाट सी एच टू ओ एच और सी एच टू ओ एच, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ क्यों मैं परपेंडिकुलर लिखूं, मैं ऐसे लिख रही हूँ सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच। ठीक है, मेरा यहाँ पर से इसको सी एच टू ओ एच को लिखने का मोटो ऐसे ये है कि आपको इससे समझ में आ जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ क्या CH2OH bond CH2OH। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बना लिया तो यहाँ का H और यहाँ का OH क्या बाहर निकल गया H2O बाहर निकल गया, यही रिएक्शन अगर इधर से भी होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा OH ग्रुप बाहर निकलेगा, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास CO और ये आप ये पूरी रिंग हो गई, इसे हम पेंसिल रिंग कहते हैं, रिमेनिंग क्या रहा CO, यहाँ पर क्या जुड़ा O, ये देखिए क्या बना CH2, ये रहा CH2, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ से क्या निकाला एच, इस तरह से बॉन्ड आगे बढ़ा, तो मैंने इसी रिएक्शन को आगे इस तरह से दिखाया है, देखिए ये थैलिक एसिड ग्लाइकोल को मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करके दिखा दिया, एच टू मॉलिक्यूल निकले तो क्या बचा, देखिए ये बेंजीनिंग सी बेंजीनिंग सी बेंजीनिंग सी और ये ओएच ब्रैकेट के बाहर रखा गया है, इसका मतलब रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी पॉलीमराइज होती रहेगी, तो हमने एच टू निकाल दिया दिस इज द पॉलीमराइज रिएक्शन, इधर क्या बचा है सी ओ दिस इज द सी ओ, फिर ये क्या रहा ओ दिस इज द ओ दिस इज द सी एच टू दिस इज द सी एच टू दिस इज द ओ ये ओ और यहाँ से एच निकाला है, यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी और एन मॉलिक्यूल्स आगे चलते रहेगी, यानी कि थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन बनती है, तो दिस इज द टेरिलीन जो कि एक प्लास्टिक है जो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ये पॉलीमर के रूप में जानी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं टेरिलीन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी जो ग्लाइकोल शो करता है, अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, मैंने साफ लिख रखा दिस टू बी कंटिन्यू, ये कुछ चार पांच रिएक्शन थी जो आपकी ग्लाइकोल की प्रॉपर्टी को शो करती हैं, इसके आगे की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।